एक बार फिर से स्वागत है आपका सिंह ऑटो जोन के फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हुंडई कंफर्म कर चुकी है कि वेन्यू के इलेक्ट्रिकल वर्जन पर काम कर रही है। एक अफोर्डेबल मास स्केल इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडिया के लिए बनाया जाएगा। मैं आपको रीजन बताता हूँ इस वेन्यू पर इलेक्ट्रिकल वर्जन पर काम करने का। जो सबसे बड़ा रीजन है कि हुंडई और किया मोटर्स दोनों ने ही ओला इलेक्ट्रिक में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और इस ज्वाइंट वेंचर में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, किया और हुंडई दोनों मिलकर एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी प्रोवाइड करेंगे ओला इलेक्ट्रिक को, जिसमें से वेन्यू फर्स्ट प्रोडक्ट है। आगे चलकर और भी प्रोडक्ट मिलकर बनाए जाएंगे ओला के लिए, और साथ में अलग से पैसेंजर सेगमेंट में भी इनको लॉन्च किया जाएगा। अब जो आज का अपडेट है वो है कि हम सब जानते हैं कि किया मोटर्स ने कन्फर्म किया है कि वो सेल्टोस के इलेक्ट्रिकल वर्जन पर काम कर रहा है। पहले इसको साउथ कोरिया में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद इंडिया में भी इसको लॉन्च करने की बात उन्होंने की है। 2021 लास्ट तक ये प्रोडक्ट इंडिया में आ सकता है। अब हम सब जानते हैं कि हुंडई और किया मोटर्स दोनों ही सिस्टर कंसर्न कंपनी है, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ये शेयर करती रहती हैं। अगर मैं यहाँ पर क्रेटा और सेल्टोस की बात करूँ, दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर है, सेम इंजन है, काफ़ी कुछ इनकी स्पेसिफिकेशन फीचर्स आपस में मिलते जुलते हैं। तो अब सीधी सी बात है, जब किया सेल्टोस के इलेक्ट्रिकल के वर्जन पर काम कर रही है, तो ऐसे में काफ़ी चांसेस है, हाई चांसेस है कि हुंडई भी क्रेटा के इलेक्ट्रिकल वर्जन पर काम करे। उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधी सी बात। इसलिए मैं ये अपडेट लेकर आया हूँ क्योंकि उनको ऑलरेडी सारा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकेशन वो सेल्टोस से उठा सकती हैं। सिर्फ उनका थोड़ा बहुत जो हाई एंड स्पेसिफिकेशन या प्राइस में ऊपर नीचे फर्क आ सकता है, बाकी ओवरऑल वहाँ पर सब कुछ सेम होने वाला है। अगर मैं बात करूं ये इसकी कैटेगरी सेगमेंट, तो ये नेक्सन और कोना के बीच का सेगमेंट रहेगा। मींस इसका प्राइस 20 लाख से कम होने वाला है, और जो रेंज है वो भी बिल्कुल 350 तक की आपको मिनिमम एक स्टैंडर्ड मॉडल में वहां रेंज आपको मिलेगी। बेनिफिट क्या है अगर हम बात करें क्रेटा, क्यों हुंडई क्रेटा को क्यों लॉन्च करेगी? एक तो मैंने आपको बताया कि सेम प्लेटफॉर्म, सेम टेक्नोलॉजी, सेम इंजन सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में जब दो कंपनीज एक प्रोडक्ट पर काम करती हैं तो वो काफ़ी अफोर्डेबल रहता है प्रोडक्ट। इसमें अफोर्डेबिलिटी आ जाएगी अगर हुंडई भी क्रेटा के इलेक्ट्रिकल वर्जन पर काम करता है। ये प्रोडक्ट एक अफोर्डेबल रहेगा, जैसे मैं बताया कि 20 लाख से कम प्राइस रहेगा। कितना कम रहेगा वो तो आगे चलकर पता रहेगा। इसके अलावा क्रेटा का इंडियन मार्केट में एक अच्छा खासा एक दबदबा है, काफ़ी लोग इस मॉडल को पसंद करते हैं, अच्छी खासी सेल फिगर है। ये अलग बात है कि सेल्टोस उससे काफ़ी आगे निकल गई है, बट स्टिल एक अच्छा शेयर आज भी क्रेटा का इंडिया में है। और जब अगर क्रेटा का इलेक्ट्रिकल वर्जन लॉन्च किया जाता है तो काफ़ी चांसेज है कि लोग उसके इलेक्ट्रिकल वर्जन को भी पिक करेंगे, चूज़ करेंगे। तो ये था, इसलिए मैंने इस अपडेट को लेकर आया हूँ। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि हुंडई की तरफ से क्रेटा के इलेक्ट्रिकल वर्जन पर कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है पिछले 2 साल का, जितना मैं इन ऑटो कंपनीज की प्लानिंग को या स्ट्रेटजी को समझ पाया हूँ, उस हिसाब से ये मेरा दावा आप इसको कह सकते हो। बिल्कुल आने वाले कुछ महीनों में आपको क्रेटा के ऊपर कोई अपडेट जरूर मिलेगा, कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं आएगा आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि हुंडई क्रेटा के इलेक्ट्रिकल वर्जन लॉन्च करेगी या नहीं करेगी? नहीं, क्यों नहीं करेगी आप इस पर भी कमेंट दीजिए, मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा जरूर होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।